हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय दो में, गीता का सारांश। भगवद गीता के 18 डेज के कोर्स में हम लोग साथ चल रहे हैं। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, भगवद गीता का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अभी चैप्टर नंबर 2 पे हम बढ़ रहे हैं। अर्जुन को डाउट्स हुए थे, सबका इंट्रोडक्शन आया था, और फिर अर्जुन को डाउट्स हुए थे। जो महान धनुर्धर थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने 5 रीजंस दिए थे, है ना। तो उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये सब लोग कैरेक्टर्स जो थे इम्पोर्टेंट आ रहे थे, लेकिन भगवान जो थे उनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी, भगवान तो आए ही नहीं थे ना, भगवान ने भी कुछ बोला ही नहीं था। तो अभी यहाँ से जो है ना भगवान की एंट्री होती है सीन में, एक तरीके से देख लीजिए। और बहुत सुंदर भगवद गीता आगे आएगी आप सब लोगों के लिए। 18 अध्याय बहुत सुंदर होने वाले हैं। इतना सुंदर ये जर्नी रहेगी, आप सब लोग जब 18 डेज तक साथ में जुड़ेंगे। और लास्ट डे ना फिर आप मुझे बताना कि आज के दिन से और अब वो 18वें दिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस एक्सपीरियंस को करने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का अध्याय, अध्याय 2, गीता का सारांश। संजय के साथ शुरू होता है। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनाम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूर्णित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान को क्या कह रहे हैं, मधुसूदन मतलब भगवान कौन है, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। तो अभी अर्जुन ने भगवान को देखा और ये शब्द कहे, मतलब अर्जुन एक्चुअली भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान उनका भी अज्ञान दूर कर दें। तो अभी क्या हो गया, टेंशन में अर्जुन है और वो बैठ गए हैं, है ना, एक जगह पर अपने रथ पर बैठ गए हैं। अभी उन्होंने मना कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अभी क्या कहा पर्टिकुलरली वो जानते हैं। भगवान, अभी भगवान हमारे मतलब कह चुके हैं वो कि हम लोग युद्ध नहीं कर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी भगवान मतलब अर्जुन जब बोल चुका, तो संजय अब आगे की चीजें बता रहे हैं। श्री भगवान उवाचर, भगवान मतलब भगवान को हर जगह भगवद गीता में श्री भगवान कहा गया है ना। कहीं पर भी आपको कृष्णा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा भगवान को भगवान ही बताया गया है। क्यों होते हैं भगवान भगवान, ये आगे डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन भगवान की बहुत महत्ता है, और जो श्लोक भगवान के नाम के साथ शुरू होगा वो वहां हर जगह आपको श्री भगवान उवाचा ही दिखाई देगा। तो चलते हैं। कुतस्तवाकश्मलमिदं विश्मेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुनम। अर्जुन परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाती हैं। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान एक्चुअली अर्जुन को डांट रहे हैं। अर्जुन ये हो कैसे गया, तुम तो इतने शुद्ध भक्त हो, तुम तो इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतने अच्छे योद्धा हो, इतने अच्छे धनुर्धर हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो, ये अशुद्धियां मतलब तुम्हारे अंदर ये कमियां कैसे आ गई कि तुमने इस बात को सोच दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और तुम यहाँ पे बैठ गए हो। तो अर्जुन की एक्चुअली डांट पड़ रही है। कैसे डांट पड़ रही है, एक मित्र की तरह डांट पड़ रही है। अभी तो अर्जुन के मित्र है ना भगवान, तो अभी भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं क्योंकि वो उसके कौन है, सारथी भी है। आप सब लोगों को पता होगा अर्जुन के भगवान सारथी और उसका रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन की भी डांट पड़ रही है कि तुम ये सोच कैसे सकते हो, ये तुम्हें एक बहुत अच्छा मतलब है, कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाली ये काम जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी तो बदनामी होगी, तुम्हें तो मतलब डाउनफॉल देखना पड़ेगा, तुम्हें तो प्रॉब्लम मतलब तुम्हें अधम एक तरीके से लोकों में जाना पड़ेगा, तुम उच्च ग्रह की तरफ नहीं जाओगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी अगर तुमने ये नहीं करा। तो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन जो महान योद्धा था उसने युद्ध करने से मना कर दिया, कितना शेमफुल होगा तुम्हारे लिए, है ना। तो अर्जुन को वो डांट रहे हैं, और अर्जुन को डांटना सही भी है क्योंकि अर्जुन एक योद्धा का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है, हमेशा युद्ध करना। सिचुएशन से कभी भी एक योद्धा को भागना नहीं चाहिए, लेकिन वो योद्धा भाग मतलब क्या कहते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इस श्लोका को भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये एक तरीके से सब कुछ बदल देगा,
ये श्लोक का सब कुछ बदल देगा। कैसे सुनते हैं, कर्पण्य दोषो बहत स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यस्येषयानि श्रितं भूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और आपसे अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मेरे लिए जो श्रेयकर हो आप उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, है ना। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन ने जैसे ही सिचुएशन को देखा और उसे गड़बड़ समझ में आई, अर्जुन ने तुरंत अपने बिल्कुल सारी चीजों को संभालने की कोशिश करी और उसने क्या करा, उसने तुरंत भगवान की शरणागति ले ली और उसको समझ में आ गया कि मैं ना अभी कुछ नहीं कर सकता। उसने बहुत देर बिल्कुल भी नहीं लगाई और बहुत जल्दी से ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कायर और कृपण दुर्बलता के कारण कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे भगवान की शरण लेनी है और मुझे भगवान से पूछना है कि मेरे लिए जो श्रेयकर हो वो मुझे बताइए। आप सब लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा ना, जब आप कभी परेशान होते हैं और टेंशन में होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो आप ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सजेशन लेते हैं। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, है ना, आपसे कोई छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपके संग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो व्यक्ति हर उस व्यक्ति के पास जाता है जहां वो कंफर्टेबल होता है उन चीजों को डिस्कस करने के लिए, और डिस्कस करता है और अपने लिए सोल्यूशन ढूंढता है ना। तो कुछ लोग टीचर्स के पास जाते हैं, है ना। तो ये डेफिनेट सी बात है कि जहाँ हमारे पास कोई स्पेस है जहाँ हम वो बात कर सकते हैं, हम डेफिनेटली किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं। कुछ लोग सीधे सीधे भगवान के पास भी जाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे भगवान वाली सिचुएशन तो नहीं आई है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान को अपना अभी तक मित्र ही मानता है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी उसने बिल्कुल चीजों को बदल दिया है। और वो क्या कह रहा है, अब मैं यहाँ पे भगवान ना मान के भी वो क्या कह रहा है, मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। उसने क्या करा, अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया। शिष्य कह रहा है ना, मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान से कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें और मेरे गुरु बन जाएं। अब आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे लिए जो श्रेयकर होगा यानी कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा आप मुझे वो बताइए, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वो आप मुझे बताइए। वो ये नहीं कह रहा है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, है ना, वो ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है जो आप मुझे बताएंगे जो बेनिफिशियल होगा जो अच्छा होगा मैं वो करूंगा। तो वो बोल रहे हैं ना, तो भगवान क्या से कहता है कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो बताइए। तो यहाँ एक शिष्य के जो गुण होने चाहिए हमें उसके बारे में पता चलता है, एक शिष्य को जो शरणागत मतलब गुरु के पास जब वो जाता है तो बिल्कुल विनम्र वे में बात करनी चाहिए, और हमेशा गुरु जो सिखाए वो श्रेयकर सिखा सकते हैं, तो श्रेयकर हमें सीखना चाहिए, ना कि जो हमें लाइफ में वो करना चाहिए जो हमें प्यारा लगे, है ना। हम हमेशा वही करते हैं और उन्हीं चीजों की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कि हमें जो अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है हम वो नहीं करना चाहते। तो हमें इस कंफ्यूजन से हमेशा निकलना चाहिए और हमें चीजों को बहुत सही तरीके से देखना चाहिए। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की, जो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ पर निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें हमेशा उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है, बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी आग लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, इस श्लोक का ये तात्पर्य है। तो अभी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो जैसे जंगल में आग लगती है ना, उसे कोई लगाने थोड़ा ना जाता है, वो जंगल में आग अपने आप लग जाती है ना। ऐसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कोई इन्वाइट नहीं करता, ये तो ऑटोमेटिकली खुद से हमारी लाइफ में एंट्री ले लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो सोल्यूशन के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये देखो अर्जुन कौन से मोड़ में बैठा है, भगवान को शरणागत होके बिल्कुल ही अच्छे से हाथ जोड़ के भगवान के सामने उनसे प्रार्थना कर रहे हैं।
आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी पॉइंट आ गया कि भगवान कौन है ना, भगवान को समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या लिखा है, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यश श्रियम ज्ञानम वैराग्य योग शरणा भग इतीरणा। तो जिनके पास सारा ऐश्वर्य है, वीरता है, यश है, श्री है, सारा धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये छह गुण होते हैं भगवान के, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य युक्त हैं, जिनके पास सारा सारी वीरता है, सबसे ज्यादा बलशाली है, जिनके पास सबसे ज्यादा यश है, जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, जिनके पास सबसे ज्यादा वैराग्य है, जो सबसे ज्यादा आकर्षक है या सुंदर दिखाई देते हैं, वो भगवान होते हैं ना। तो अभी आप कहोगे कि जी पैसा तो, धन तो अंबानी के पास भी बहुत सारा है और सबसे ज्यादा है यहाँ पे तो, है ना, तो क्या वो भगवान है? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा सुंदर तो, जैसे कि हम बोले मिस वर्ल्ड कौन है हमारे यहाँ, ऐश्वर्या राय, वो तो बहुत सुंदर दिखाई देती, तो क्या वो भगवान है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास, किसी के पास एक क्वालिटी हो सकती है, पर उसके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज एक साथ हो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बलशाली होगा क्या पता वो सुंदर हो या ना हो, जो सुंदर होगा क्या पता वो धनवान हो या ना हो, क्या पता उनके अंदर वैराग्य हो या ना हो, सबके अंदर अगर सारे गुण हुए भी, मिल भी गए, तो जो वैराग्य की भावना है, आप ही देखो श्री कृष्ण भगवान ने बचपन से लेकर बड़े होने तक सब कुछ छोड़ा है अपने जीवन में, माता पिता छूट गए, फिर यशोदा मैया छूट गई, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो गोपी और सब जो ग्वाले थे वो छूट गए, राधा रानी छूट गई, सब कुछ उनके जीवन से छूटता ही चला गया है ना। तो उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया अपने जीवन में, और वो त्याग हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान जो होते हैं वो बहुत ही अलग हैं। हम हर कोई व्यक्ति अगर ये कहते हैं ना, बहुत से लोग आप देखते होंगे कि कहते हैं कि हम भगवान है ना, कोई साधु बाबा टाइप आके बैठ जाए बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, तो आप उसे एक क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई आपके अंदर ही कौन कौन सी क्वालिटी जिसमें से आप मुझे बता दो, अगर सारी चीजें हैं तो हम मान लेते हैं भगवान हूँ, डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ही भगवान होते हैं। अभी भगवान को प्राप्ति के या भगवान को जानने के तीन चरण होते हैं, तो जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? सबसे पहला जो लेवल होता है भगवान को जानने का, वो होता है ब्रह्म ज्योति, है ना। ब्रह्म में भगवान को देखा जा सकता है, जहाँ पे भगवान एक ज्योति के रूप में, एक निराकार प्रकाश के, मतलब एक तरीके से शेप ज्योति के रूप में, एक निराकार ही उनकी शेप होती है, उसमें भगवान को पाना जाता है। ये भगवान का निराकार स्वरूप होता है एक्चुअली, है ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि लाइट है। जैसे आप कभी कभी मेडिटेशन करते हो, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स वाले लोग क्या सिखाते हैं, सेंटर पे अपने आईज के सेंटर में, आईब्रोज के सेंटर में आप ध्यान केंद्रित करो, वहां पे भगवान का स्मरण करो, आप ध्यान करोगे तो आपको वहां पे एक लाइट दिखाई देगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो वो क्या कहते हैं कि वो मतलब भगवान एक्चुअली ये है क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। भगवान का ऑरा इतना जबरदस्त तरीके का है कि उससे हजारों सूर्य के समान प्रकाश निकलता है, तो जो प्रकाश निकलता है उसको यहाँ ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, ठीक है। अभी परमात्मा की बात आती है, तो परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो भगवान का, वो तो भगवान का ऑरा है ना, जिसे ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। भगवान जब चार भुजा वाले रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जब भगवान ने, जब जिसे हम जन्म कहते हैं ना, माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, वो एक्चुअली प्रकट हुए थे। तो जब भगवान प्रकट हुए थे तो वो चार भुजाओं वाले थे, तो वो जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, उस चतुर्भुज रूप को परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान होते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे भगवान देख रहा है, तो भगवान कहाँ से देखते हैं? भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हमारे हृदय में एक आत्मा होता है और एक परमात्मा होता है, वो हर चीज के साक्षी है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेज आती है परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या है? स्वयं भगवान है ना। दो भुज श्याम सुंदर जो भगवान का इतना प्यारा स्वरूप है, वो परमेश्वर है। और जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो तीन स्टेप्स हैं। पहले ब्रह्म का ध्यान होता है, फिर परमात्मा और फिर परमेश्वर। ये हमें सिखाता कौन है? ये हमें हमारे गुरुजन सिखाते हैं। तो कृष्ण ही भगवान है। अभी क्या है कि ये सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा है? कुछ लोगों को क्या दिखता है, कुछ लोगों को यहाँ दिखाई देता है कि हम कुछ नहीं है, है ना। कुछ लोगों को क्या दिखाई देता है, यहाँ कुछ नहीं है। अपन म्यूट कर सकते हैं। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। पेड़। पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर अगर हम अपनी दृष्टि को और सही करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? तोता। तोता या पक्षी, है ना। पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, वो पक्षी क्या कर रहा है?
खाया। फल खा रहा है ना। उसी तरीके से जब हम स्टेज पे, मतलब हम क्या बोलते हैं, जब हम लोग एंट्री करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना केंद्रित करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, पहले एक भगवान का ऑरा दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर हमें जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो भगवान का चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं, फिर भगवान का इतना सुंदर श्याम सुंदर जो रूप है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये प्रोसीजर है, होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये होगा कैसे ये गुरु के सानिध्य में ही आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी अर्जुन का पहला डाउट क्या था ये बताइए जल्दी से, किसी को याद हो तो, याद है किसी को? अर्जुन को दया आ रही थी, है ना, तो भगवान ने अर्जुन को आंसर दिया, अर्जुन को दया आ रही थी, अर्जुन ने कहा मुझे दया आ रही है, तो भगवान ने क्या कहा, देहिनो इस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं चरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीर आत्मा शरीर शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मुंह को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग ना एक तरीके से जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम उतने बड़े तो नहीं होते जितने बड़े आज दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं। धीरे 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 हमारी ग्रोथ होती है और हम लोग ग्रोथ लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, और हम लोग धीरे धीरे बाल्यावस्था से तरुण हो जाते हैं ना, टीनेज में आ जाते हैं, यंगस्टर्स में आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और मेच्योरिटी लेते 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 एक समय पे वृद्धावस्था में आ जाते हैं। ये साइकिल सबके लिए चलती है, केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य के लिए चलती है, सबके लिए ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तो समय का, शरीर का एक समय होता है, कुछ लोग वृद्धावस्था में आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते, लेकिन शरीर का एक समय होता है, और एक समय के बाद जो आत्मा होती है वो शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति होते हैं, जिन्हें पता है कि ये शरीर थोड़े समय के लिए हमें मिला है और परमानेंट आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रहेगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी, तो जो व्यक्ति समझदार है, जो धीर है, वो इस शरीर से मोह नहीं बनाएंगे। देखो अब आप बोलोगे माता जी ने तो बिल्कुल हार्ड टॉपिक शुरू कर दिया है ना, ऐसा नहीं है। देखो धीरे धीरे हमें इस चीज को समझना होगा, क्योंकि भगवत गीता में यही तो सिखा रही है कि हमें अपना मोह दूर कैसे करना है ना। तो अटैचमेंट होता है, अब हम अपने आसपास के लोगों को देखें, है ना, अपने जो भी हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, हम देखें कि कभी वो अगर जाएगा, हम भी जाएंगे, है ना, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो अगर वो कभी जाएगा तो हमें दुख होगा, हम वो सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बचे, मतलब सब ही जाएंगे, हम भी जाएंगे और वो भी जाएंगे ना, हम यहाँ परमानेंट तो रहेंगे नहीं, हमारे परमानेंट घर तो है नहीं, तो जब हमें जाना ही है और ये बात हमें समझ में आ रही है और भगवान हमें बता रहे हैं, तो हमें उस बात को लेकर टेंशन में क्यों रहना, उससे तो बेटर ये है ना, जब तक आप उनके साथ हैं, उनके संग अच्छा व्यवहार करिए और उनके संग अच्छे से रहिए, है ना। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। तो भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, जिनके लिए तुम्हें दया आ रही है ना, ये वो शरीर है जो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे अभी इस संसार में उपस्थित है, एक समय बाद इन्हें मरना ही है ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, भगवान उसको ये समझा रहे हैं, ठीक है। देखो ये इसे बता रहे हैं ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे 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 आत्मा वही रहती है, पर शरीर में परिवर्तन आता रहता है, और एक समय पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। आगे भगवान बोलते हैं, वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो अभी इसमें क्या है, ये हमारे लिए जो हमारा शरीर है, ये हमारे लिए हमारा शरीर है, पर आत्मा के लिए क्या है, ये आत्मा का एक वस्त्र है, ठीक है। जैसे हम रोज नए वस्त्र पहनते हैं, हमारे वस्त्र की लाइफ कितनी होती है, कभी कभी कुछ घंटे की, हम कहें हमें जैसे हमने सुबह नहा धोके तैयार होके भगवान की पूजा करने से पहले सारी चीजें हमने रेडी कर ली, हम रेडी हो गए, उसके बाद हमने पूजा करी, हमारा दिन चलना शुरू हुआ। अभी हमें कहीं अर्जेंट जाना है, हमें किसी मीटिंग में जाना है, हमें किसी पार्टी में जाना है, तो क्या करते हैं, हम अपनी चेंज कर लेते हैं वस्त्र, है ना। कभी कभी वो वस्त्र की लाइफ पूरे दिन की हो सकती है कि हमने पूरे दिन पहन लिया उसे, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप दिन में 4 बार भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा अपना वस्त्र, जो ये शरीर है, इसको भी चेंज करती है ना, और हमेशा नया शरीर धारण करती है। तो वो व्यर्थ के शरीर को, जब वो शरीर उस आत्मा के कार्य काम का नहीं रहता और पुराना हो जाता है, तो उसको त्याग देती है और नए शरीर में चली जाती है। तो प्रभुपाद जी से कैसे समझाते हैं
अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जनतक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय की शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाते हैं जो बाल्यावस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था में होते हैं। वृद्धावस्था से परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो एक्चुअली क्या प्रोसीजर ये है कि जन्म से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक की पोजिशन आती है रेगुलर, अगर आप सोचो मतलब इन जनरल जो होती है। स्पेशल केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई पहले मर जाता है, कोई बचपन में भी मर सकता है, कोई युवावस्था में भी मर सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो क्या है, मतलब जो एक राइट एक वो है कंसेप्ट, वो ये है कि हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना। नॉर्मली सबके संग ऐसे ही होता है। कुछ अलग केसेस होते हैं कि एक्सीडेंटल मौत हो गई, कुछ हो गया, वो एक अलग चीज हो गई। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में मतलब व्यक्ति जो होता है ना, उसको ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मा को एक समय पे इस वस्त्र को त्याग करना ही है। तो हमें इस बात को टेंशन नहीं लेनी चाहिए और हमें इसमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हमें सब लोगों से, आप कहोगे कि क्या माता जी हम किसी से प्रेम ना करें जो हमारे प्रियजन है, माता पिता है, भाई बंधु है, क्या हम उन लोगों से प्रेम ना करें या उन लोगों से अटैचमेंट हमारा ना हो, आसक्ति ना हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। हमें दुख तो होगा ना, हमारा कोई अपना जाता है, हमें दुख तो होता है ना, तो डेफिनेटली होता है ना, लेकिन वो दुख एक लिमिट तक होना चाहिए, एक टाइम तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दुख आपके जीवन में इतना ज्यादा हो जाए कि अब आप अपना जीवन रोक दो, है ना, वो बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात पता है क्या होता है, ये हमें ना स्टार्टिंग के फेजेस में समझ में नहीं आती, जब हम बच्चे होते हैं तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, हमें ये लगता है कोई अपना चला गया तो कितना दुख हो रहा है। जैसे कि आप मतलब मैंने एक्चुअली अपने साथ फील किया कि जैसे मेरे दादाजी थे, दादी जी थी, जब वो चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं एक बार मैं बहुत छोटी थी, एक बार मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो जब मतलब मेरे को बहुत फील हुआ कि मतलब वो चले गए मेरे अपने थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज हमें समझ में आने लगती है कि संसार का नियम है, शरीर एक समय के लिए होता है और फिर वो चला जाएगा। तो कोई अपना जाता है तो हमें दुख डेफिनेटली होता है और होगा ही, आप कितना भी ज्ञान ले लो आपको दुख होगा जब कोई अपना स्वजन चला जाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने, बेशक वो अपने थे है ना, लेकिन चले गए, लेकिन उसके बाद ये तो नहीं कि आप अपना जीवन रोक दोगे, अपना जीवन तो आपको चलाना ही है ना, तो उसके लिए जो कर्म है वो करने पड़ेंगे। तो उस जीवन को चलाने के लिए जो सही कर्म है उनको कीजिए और अपना कर्तव्य मत छोड़िए, भगवान यहाँ अर्जुन को ये समझा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावका, नै चैनम खेदयन्तापो, नै शोष्यति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी खंड द्वार खंड ना तो किसी खंड कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता। तो आत्मा का जो गुण है वो क्या है, वो शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो होता क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम जो भी संस्कार करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि आत्मा तो उसी क्षण निकल चुकी होती है। आत्मा तो एक्चुअली व्यक्ति मरता ही तब है ना जब आत्मा चली जाती है, तो आत्मा चली गई तभी तो मृत घोषित किया जाता है, तो आत्मा तो उसके अंदर होती ही नहीं है। अगर हम रोज नहाते हैं तो हमारा शरीर गीला होता है, हम सुखाते हैं शरीर को, वस्त्र हमें शरीर पर पहनते हैं ना, अगर हमारा हाथ जल जाए किसी चीज से तो हमें दर्द होता है ना। आत्मा तो वैसी की वैसी बनी है, तो आत्मा ना जलेगी ना सूखेगी, ना अग्नि का उसपे कोई प्रभाव होगा, ना पानी का उसपे कोई प्रभाव होगा, ना वो शस्त्र से काटी जा सकती है। अगर हमें कोई चाकू मार दे तो मरेगा ये शरीर, है ना, हमें अगर कोई हम पे अटैक कर दे तो मरेगा ये शरीर, आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा निकल जाएगी। तो आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा पे इन सब चीजों का प्रभाव नहीं होता। हम शोक किसके लिए करते हैं, हम शोक इस शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि हमने आत्मा तो देखी ही नहीं है ना, हम तो ये बाहर का शरीर देख रहे हैं, हमें शरीर को देखते हैं, इसके संग अपने अटैचमेंट बनाते हैं, इसके संग अपनी मेमोरीज बनाते हैं और उनको याद करते करते रोते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शरीर का जो मतलब अटैचमेंट है उसको नहीं बनाना चाहिए। अगर बन भी मतलब बनेगा ही ना डेफिनेटली, जैसे एक माँ है एक बच्चे का अटैचमेंट तो डेफिनेटली होगा ही ना, लेकिन देखो ठीक है हमारे शरीर का आवरण है, आप आत्मा को तो पहचान नहीं सकते, आत्मा को किसी ने देखा भी नहीं होगा और दिख भी नहीं पाएगी, इतनी छोटी सी होती है। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर के में वो इतनी छोटी सी जो चेतना है वो उस तरीके से काम कर रही है कि हमारा पूरा शरीर एक्टिव होता है और हम इस शरीर के संग अटैच हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस शरीर के संग मोह के बंधन को नहीं बांधना है,
क्योंकि एक समय पे जाना है, जब इस बात को हम डेवलप कर लेंगे अपने माइंड में, तो हमारा जो मन है वो शांत होगा, बहुत जल्दी शांत होगा। तो भगवान ने, आप ये देखो, आप ये सोचो, सोचने वाली बात क्या है, स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर 2 में जब भगवान ने बोलना शुरू करा, तो भगवान अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, सीधे ही आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। इतना हायर टॉपिक उठा लिया भगवान ने अर्जुन के लिए कि सीधे आत्मा के बारे में बता दिया। तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे उसका प्रश्न था कि मुझे मतलब क्या कहते हैं, उसको दया आ रही थी, फिर उसको क्या लग रहा था, नेक्स्ट क्या था सेकंड आंसर उसका, अर्जुन का सेकंड आंसर बताइए। दुख हो रहा था, दुख तो हो रहा था ना माता जी, पहले ही हो गया था, कुछ आज प्राप्त हो। नहीं होगा। नहीं, उसको दया आ रही थी, उसको पाप की फीलिंग आ रही थी, असमंजस था और पारिवारिक परंपराएं थी। खेल सेकंड क्या था, परंपरा से याद कीजिएगा तब बताएंगे जी, बताइए। माता जी, अर्जुन को लगा था कि कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अव्याजवादांश्च ब्रुवन् वन्दिष्यन्ति तत्व तवाहिता निदन्त सत्व सामर्था तदोदुत्तरम नो किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। तो तुम, वो कह रहा था कि मुझे कोई लाभ नहीं है, इसे ऐसा करने से मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं फायदा होने वाला। तो उन्होंने बोला कि जब तुम ऐसा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो वर्णन है वो कैसे होगा, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अगर तुम इस तरीके से एक योद्धा होने के बाद भी अगर तुम कोई कार्य सही तरीके से नहीं करोगे, अपना कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं निभाओगे, तो लोग तुम्हें, तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि बहुत बड़ा धनुर्धर बनता था भाई, युद्ध के मैदान में आके धनुष छोड़ दिया, लो ये कराया इसने, है ना। तो लोग ऐसा बोलेंगे, और इससे ज्यादा दुखदायी एक योद्धा के लिए कुछ हो सकता है। अगर एक टीचर हो, वो बोर्ड में चौक लेके खड़ा हो, या मतलब चौक छोड़ो, अब ये चौक वाला फैशन चला गया है, कहीं पे डिजिटल बोर्ड हो, कुछ भी हो, आपको स्टडी पढ़ाने के लिए कोई बैठा हो, और वो मतलब ये कह दे कि नहीं मुझे तो इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, सॉरी मुझे तो डर लग रहा है, मैं इतने स्टूडेंट्स को देख के डर गया हूँ और मैं अब इन्हें पढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या एक टीचर को सूट करेगा भाई। उन्होंने अपना जीवन दे दिया ना टीचिंग के लिए। अभी वो अगर ये कह दे कि नहीं स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ थाउजेंड्स में मतलब स्टूडेंट्स है, अभी मैं इन्हें पढ़ा नहीं सकता, टीचर चाहे एक शिष्य को पढ़ाए चाहे 1,000 को पढ़ाए, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, टीचर का ज्ञान तो वही है ना। और अच्छी बात है, अगर 1,000 स्टूडेंट्स है तो और ज्यादा अच्छा बैच चलेगा, क्या टेंशन है उसमें। लेकिन एक जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ने समझाना है, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तुम क्यों फालतू की बातों में पड़ रहे हो, तुम युद्ध करो। आगे क्या कह रहे हैं भगवान, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्मात् उत्तिष्ठत कौन्तेये युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, तुम यदि जीत जाओगे तो तुम पृथ्वी साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे पास तो विन विन सिचुएशन है ना, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसे समझ लो इसे। कैसे कि अगर तुम मर गए, यही तो होगा ना, ज्यादा ज्यादा तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तुम जीवित रह गए तो तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य मिल जाएगा जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम या तो स्वर्ग पहुंचोगे क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य पूरा करा है, या तो तुम मतलब अपने राज्य का भोग करोगे। तो तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हो, क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो, इसमें तो लाभ ही लाभ है अर्जुन, इसमें तो कोई हानि ही नहीं है, तो तुम युद्ध करो। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। आगे भगवान क्या कहते हैं, नेहा अभिक्रम नाशनो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुल्पमस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान व्यय से रक्षा करती है। किस पद पग पर की गई अल्प प्रगति, कौन से पद की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ, एक्चुअली भगवान यहाँ बात कर रहे हैं भगवान की सेवा में जो कार्य करा जाता है उस सेवा के कार्य में कभी भी कोई हानि नहीं होती। युद्ध किसका आदेश था, युद्ध स्वयं श्री कृष्ण का आदेश था, है ना, क्योंकि पांडव तो युद्ध चाहते ही नहीं थे, भगवान भी युद्ध नहीं चाहते थे, भगवान तो दूत बन के कौरवों के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हम
युद्ध नहीं करना चाहते, है ना, हमें केवल आप 5 गांव की भूमि दे दीजिए। दुर्योधन ने क्या बोल दिया था, दुर्योधन का इंट्रोडक्शन जिनको नहीं मिला था वो सुन लीजिए प्लीज। दुर्योधन ने ये बोल दिया था कि मैं 5 गांव की भूमि तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो ऐसा कैरेक्टर वाला दुर्योधन जो एक सुई दूसरों का हक मार के वो बैठा हुआ है और कहता है सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो अर्जुन तो यहाँ सोच रहा है तीसरा रीजन क्या है अर्जुन का, कि मुझे पाप लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं भगवान की सेवा में या भगवान के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको पाप नहीं लगता, अपितु तो तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान के कार्य में जब तुम कोई सेवा में जब तुम कोई कार्य करते हो तो वो बहुत विचित्र बहुत सुंदर हो जाता है, आपकी हर तरीके से रक्षा करता है। जैसे हनुमान जी, आपने देखा है ना, हनुमान जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या करा, जाके लंका में आग लगा दी। ठीक है, अभी आग लंका में लगी तो क्या हनुमान जी को पाप लग गया, कोई बता सकता है हनुमान जी को पाप लगा या नहीं लगा? नहीं नहीं लगा या नहीं लगा? नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा। लगा हनुमान जी को पाप? वो धर्म के कार्य में राम जी के साथ थे। जी, क्योंकि उन्होंने राम भगवान की जो सेवा का कार्य करा था और उनका जो क्रोध था वो भगवान की सेवा के लिए निकला था, है ना, तो उन्हें पाप नहीं लगा। कोई भी छोटा सा छोटा कार्य है बड़ा सा बड़ा कार्य है, जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं कितना भी क्रोध हो पर अगर भगवान की सेवा के लिए भगवान के भक्तों के लिए निकल रहा है तो वो कभी भी पाप नहीं देगा। लेकिन अगर वो या अपने कर्तव्य के लिए, है ना, अगर आपका कर्तव्य है जैसे अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है और भगवान की मर्जी से हो रहा है युद्ध, तो अर्जुन जब भगवान की मर्जी से युद्ध कर रहा है और वो ये कह रहा है जी मुझे पाप लग जाएगा, भगवान साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं, भाई भगवान तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हें कौन सा पाप लग जाएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो अर्जुन को टेंशन जो हो रही है। आंसर नंबर 3, भगवान ने कहा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान ने उसका हेड आउट भी क्लियर कर दिया। तो आंसर नंबर 4 में अर्जुन को क्या बताते हैं, अर्जुन कहता है जी मुझे तो ना मेरी जो पारिवारिक परंपरा है नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सारे जो पुरुष जन है वो तो युद्ध करने चले जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, केवल स्त्रियां बचेंगी, बच्चों को सिखाएगा कौन। तो जो कुल की जो परंपराएं होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि आपकी परंपराएं हमेशा चलती हैं, कि आप नहीं हो निर्धारित करने वाले कि ये मर जाएगा वो मर जाएगा तो क्या होगा, ये तो भगवान है स्वयं निर्धारित करने वाले कि अगर तुम मर जाओगे कोई और मर जाएगा तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये परंपराएं कैसे चलेंगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगी ये परंपराएं, तुम्हारी मर्जी से सिस्टम नहीं बना, तुमने भी तो किसी सिस्टम को फॉलो करा है ना, वो सिस्टम किसने बनाया था, वो सिस्टम कभी भगवान ने ही बनाया है ना, जिसको तुम आज तक फॉलो करते आ रहे हो, तो तुम्हारे मरने से परंपरा थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखेंगे ही ना। लास्ट में उसने कहा जी मुझे असमंजस हो रहा है, ठीक है, आई एम टोटली कंफ्यूज। तो भगवान ने क्या कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेक गुरु नंदना बहुशाखा बुद्धयो से व्यवसायी नाम, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि विभिन्न शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अभी क्या बता रहे हैं गुरुनंदन, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति का टारगेट क्लियर नहीं होता है, लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और अर्जुन किस बात के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं बताइए, फोकस फोकस के लिए तो धनुर्धर उनका तो जबरदस्त क्लियर फोकस है, श्रेष्ठ। वो तो बहुत ही सेंटर्ड है, उन्हें तो पता था। ये स्टोरी आपको समझ में आ रही है ना, पीछे जो दिखाई दे रही है जल्दी से बताइए कौन डिस्क्राइब करने वाला है, पीछे क्या स्टोरी दिख रही है आपको पिक्चर में, सॉरी। चिड़िया की बस आंख आई में चीर। अर्जुन जब अपना द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ले रहे थे तो उनको एक्चुअली क्या हुआ कि सबको पूछा गया कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी को पेड़ दिखाई दिया, किसी को फल दिखाई दिया, किसी को कुछ और दिखाई दिया, किसी को जलाशय दिखाई दिया, किसी को कुछ और दिखाई दिया, अर्जुन को क्या दिखाई दिया, अर्जुन का आंसर ये था कि गुरुदेव मुझे इस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है जिसको उसे भेदना था। तो अर्जुन तो इतना क्लियर फोकस पर्सन था, उसको तो बिल्कुल भी टेंशन होनी नहीं चाहिए थी ना, उसे तो अपना लक्ष्य बताया। तो ये हमें क्या सिखा रहा है, हमारे लिए इसमें एक मैसेज है, मैसेज क्या है कि आप अपने आप को जितना फोकस्ड रखेंगे, आप अपने आप को जितना क्लियर रखेंगे, जितना सेंटर्ड रखेंगे, उतना ही सही दिशा में आप बढ़ते चले जाएंगे। चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे ना तो फंसेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अपना फोकस बिल्कुल सही रखना चाहिए, है ना, हमें इधर उधर डिस्टरबेंस में नहीं भागना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होगा तभी वो साधा जा सकता है।
तो वो बात अर्जुन की हमें यहाँ सिखा रही है, और भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम तो वो व्यक्ति हो जिसका लक्ष्य बल बिल्कुल सीधा था, अभी तुम युद्ध के लिए आगे खड़े हो गए हो, अब तुम क्या कह रहे हो कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो भाई तुम जैसा व्यक्ति कैसे कंफ्यूज हो सकता है, ये तो समझने वाली बात मतलब ना समझ आने वाली बात है। तो अर्जुन को याद दिलाना है, तो हमें अर्जुन से क्या सीखना है, हमें अर्जुन से ये सीखना है कि हमारे जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को बहुत ही क्लियर करके चलना होगा, डिसीजंस को सही तरीके से लेना होगा, और अगर उन सही डिसीजंस को लेकर हम अपने आप की अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी लाइफ में जो हमें मतलब एक तरीके से फेलियर्स दिखते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य क्लियर हुआ तो फेलियर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, भगवान आगे बोलते हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भाव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान भगवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठो और समस्त दैत्यों तथा लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तीन गुण कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताएं, कौन बताएगा, कोई जानते हैं तीन गुण प्रकृति के? धातु रजोगुण, रजोगुण और तमोगुण। थोड़ा क्लियर बोला, बोलिए दोबारा से, सत्वगुण रजोगुण रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं। ये गुण क्या करते हैं, ये हमें बांधने का कार्य करते हैं, कैसे करते हैं हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो ये गुण हमें बांधते हैं, तो जब हम बांधते हैं तो हमारे लिए बंधन उत्पन्न करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन गुणों को छोड़ दो, तुम इनसे ऊपर उठ जाओ और अपने लाभ और हानि की चिंता मत करो, तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आत्मपरायण बनो, मतलब कि तुम किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो और तुम अपने डिसीजन को लेकर एक्शन ले लो, भगवान कह रहे हैं। और ये भगवान किससे कह रहे हैं, क्या ये अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, कौन बताएगा जल्दी से बताएंगे किससे कह रहे हैं भगवान? अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अरे बोल, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं ना, तो भगवान अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये पूरी भगवत गीता भगवान हमें सुना रहे हैं। तो अभी भगवत गीता को आपको ऐसे सुनना है कि आप सब अर्जुन बैठे हैं यहाँ पे, है ना, भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, तो हम सबको सुना रहे हैं भगवान, भगवान अर्जुन को नहीं सुना रहे थे, भगवान तो हम सबको सुनाना चाहते हैं। तो अभी अपना ध्यान ना भगवत गीता में ऐसे लगाइएगा जैसे हम अर्जुन बैठे हैं ना, और हमें ही सुनाना है, और रियलिटी भी यही है। तो भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, आत्म पारायण बनो, अपने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दो और अभी आत्म पारायण बनो और डिसीजन ले लो और कार्य करना शुरू कर दो, यानी एक्शन ले लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो सबको आता होगा, मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हुए दुर्भाम ते संगो अस्तु स्वकर्मणि, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है किंतु कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं हो, न तो तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों तथा फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने की कभी कर्म करने में कभी आ सकते हो। तो इस श्लोक का लोग गलत अर्थ जानते हैं, लोग ये कहते हैं, भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन कर्म करो फल की चिंता मत करो, आप सब भी यही जानते हैं क्या? हरे कृष्णा, यस और नो जल्दी से बताएं। जी माता जी, यस अब तक है यस, ना, अभी तक सबने ये सुना है कि अर्जुन भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, सबने यही सुना है ना, जबकि भगवान यह कह रहे हैं, मुझे बता दो जरा एक बारी, इसे पढ़ लो, तुम अपने कर्तव्य तुम अपने कर्म करने के अधिकारी हो किंतु तुम कर्म फलों के अधिकारी नहीं हो, तुम कभी भी अपने कामों अपने कर्मों के फलों का अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मत मानो, न ही कर्म में कभी आ सकते हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहाँ तो नहीं कह रहे भगवान, भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म करो फल में आसक्त मत हो, मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि फल की चिंता मत करो, भगवान ये कह रहे हैं देखो अगर आपको एक आईएएस या पीसीएस का कोई एग्जाम निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपने अगर ये सोचा ही नहीं कि मेरी रैंक आएगी तो आप काम कर्म कर लोगे क्या, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, सोच के बताओ मुझे, यस और नो जल्दी जल्दी बोले, ऐसे इतना देर होना लगती है। नहीं अगर आपने कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, ठीक है, और आपका टारगेट क्लियर ना हो कि मुझे वहां सीट लेनी ही है, तो आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे क्या, मुझे बताइए? नो नहीं, मैम, नहीं करेंगे ना, माता जी, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य ही क्लियर नहीं है ना, मेरा तो भाई जब मुझे फल तो मुझे चाहिए ना, मुझे तो एंट्रेंस लेना है ना वहां पे, मुझे तो सीट चाहिए ना वहां पे, तो मैं ये कैसे छोड़ दूं कि मेरा करना मैं फल की इच्छा ना करूं, फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्या है, आप फल की इच्छा कब तक करो का एक सोल्यूशन है ना, अब मुझे वो एंट्रेंस क्लियर करना है तो मुझे प्रिपरेशन करनी है,
किस टारगेट से करने हैं कि मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है। जिस समय वो एग्जाम हो जाए तब तक आपकी फल की इच्छा पूरी होनी चाहिए कि मुझे एंट्रेंस क्लियर कर। लेकिन जब आपने वो एग्जाम दे दिया, उस एग्जाम को देने के बाद अब आपने क्या करा, अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया। नाउ नथिंग इन योर हैंड्स, कुछ कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है, अभी तीर जो है ना वो कमान से छूट चुका है। अभी क्या होगा, अभी सामने टीचर बैठेंगे, वो कॉपी चेक करेंगे, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी रिजल्ट किस तरीके के हो सकते हैं, दो, या तो आप पास या तो आप फेल। पास वाले खुश होते हैं, उछलते कूदते हैं, नाचते हैं, फेल वाले दुखी होते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमने जो करना था वो तुमने कर दिया। अब जो तुम्हारा रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट से तुम पागलपंती में मत जाना। अगर तुम पास हो गए तो बिल्कुल बौखलाना मत, पागल मत हो जाना, हवा में मत उड़ने लगना। उस लक्ष्य को, टारगेट को सही तरीके से अचीव करने के लिए, अपने आप को सही तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए काम करना। और अगर वैसा नहीं कर पाते हो, अगर तुम गलती से फेल हो गए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हताश नहीं होना, तुम्हें अपने आप को बिल्कुल बैलेंस्ड करके दोबारा से ध्यान केंद्रित करके अपने टारगेट पे लगाना है। क्योंकि हमेशा हर हर एक व्यक्ति को फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिल सकती। सीट्स होती है 100, एप्लीकेशंस आती हैं थाउजेंड्स में, तो क्या सारे बच्चों को सीट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। कोई 100 बच्चे तो वो सीट अचीव कर पाएंगे ना, तो बाकी जो 999 है या और बहुत सारे 990 जितने भी मर्जी नाइन्स हैं, वो सब तो बेचारे रह जाएंगे ना। तो क्या होगा, है ना, तो होगा ये कि वो सब लोग एक नेगेटिव फेज में जा सकते हैं। तो भगवान क्या समझा रहे हैं, भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर उनके लिए वो हंड्रेड्स में आना नहीं बना था, तो वो उनके लिए हो सकता है या तो कोई बेटर ऑप्शन हो, या हो सकता है वो सेकंड अटेम्प्ट में आ पाए। तो हमें किसी भी चीज से हताश नहीं होना है, हमें अपने आप को हर स्थिति में बिल्कुल बैलेंस्ड रखना है। ना तो हमें खुशी में पागलपंती दिखानी है, ना हमें दुख में रोना धोना शुरू करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब, इच्छा मत करो का मतलब क्या है, चिंता मत करो, कर्म करो, फल की इच्छा भी रखो, लेकिन फल के संग आसक्ति मत बनाओ। अब जो फल आ गया वो भगवान के हाथ में था, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम उसके पीछे भागो मत, रो मत, परेशान मत हो, है ना। और अगर जो भी हुआ उसको संभालो, अगर अच्छा हुआ तो भी उसे संभालो, और अगर गलत हुआ तो भी उसे संभालो और आगे के लिए प्रयास करो। भगवान कभी किसी के लिए गलत नहीं करते, जो हमारे लिए बेस्ट होता है हमेशा वो ही हमें देते हैं। कई बार हमारे लिए सिचुएशन हमारी फेवरेबल नहीं होती है, कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए हमें वो चीजें नहीं मिलती है। तो इसमें हमें हर चीज के लिए भगवान को ब्लेम देना, खुद को ब्लेम देना, सिचुएशंस को ब्लेम देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट नहीं था, इसलिए हमें कभी नहीं मिला। हमारे लिए जो बेस्ट होगा हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट सेशंस में, तो उन्होंने बताया, माता जी मैं बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रही थी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बहुत अटेम्प्ट करे, उसके बाद क्या हुआ, उनकी मदर ने बोला कि तुम ना वहां कर रही हो, तुम नहीं कर पा रही हो, तुम एक काम करो, तुम कहीं और ट्राई करो। उन्होंने दूसरे सेक्शन में ट्राई करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको उनके एग्जाम्स क्लियर हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको अचीवमेंट मिल गई। तो मतलब उन्हें ये बात समझ में आई, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला, माता जी मैं ये बात समझ नहीं पाती थी, और जब मेरे को वो सारी चीजें मेरी लाइफ में क्लियर हो गई, अभी मुझे पता है कि मुझे कहाँ जॉब करनी है, मेरा कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, सब चीजें वो समझ चुकी, तो कहती है कि माता जी मुझे समझ में आ गया कि भगवान हमारे लिए एक अलग योजना बना के रखते हैं, और हम किसी और योजना पे लगे होते हैं। जिस समय वो हमारे साथ नहीं होती है तो हमें क्या लगता है, हमारे संग सही नहीं घट रहा होता, तो हमें लगता है कि हमारे संग गलत हो रहा है, हम टेंशन में होते हैं, हम परेशान होते हैं, भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत बेटर सोच के रखा होता है। तो ये फीलिंग को अपने अंदर हमें डेवलप करना है। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहति यदा कर्मान् सर्वान् पान्त मनोगतान् आत्मवेत्येवात्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञत उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कर्म कामनाओं को परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध होकर उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह शुद्ध तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है जिसके ऊपर किसी बात का असर नहीं पड़ता, उसको उसने जो सोचा है भगवान की सेवा कार्य करने के लिए वो उसमें लगा होता है, जो सही कार्य उसे करना होता है, उसके ऊपर ना जो एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है उसके ऊपर हावी नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी आती है प्रहलाद महाराज की,
प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने कितनी यातनाएं दी, सांप भेज दिए, राक्षस भेज दिए, मारने का कभी छत खाई से गिरा दिया तो कभी कुछ कर दिया। पूरी प्रैक्टिस उन्होंने इसी बात की करी कि प्रहलाद को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो भगवान विष्णु का नाम लेता था। क्या प्रहलाद महाराज उसके मारने से मर गए? नहीं मरे, वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे और हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहे करते रहे करते रहे। और आप सब लोग जानते हैं कि एक बार उसके पिता ने बोला, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान। जब लास्ट हो गया, उसने जाके खंबे में बोला कि यहाँ से निकलेंगे तेरे भगवान। उन्होंने प्रहलाद महाराज ने जैसे कहा, हाँ यहीं से निकलेंगे मेरे भगवान। प्रहलाद महाराज ने जैसे बोला, भगवान खंबा फाड़ कर प्रकट हो गए और नरसिंह रूप में अवतार ले लिया, है ना। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कभी भी, क्योंकि उसके पास तो वरदान था कि मैं ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना मैं पशु से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना हथियार से मरूंगा, ना घर के अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना सुबह मरूंगा, ना शाम मरूंगा। तो जब उसने ऐसा अवतार ब्रह्मा जी से ले लिया, तो उस अवतार को, ऐसे तो है नहीं अमर तो कोई भी नहीं हो गया है, मरना तो सबको ही है, तो उसने अपने आप को भगवान मान लिया, क्योंकि वो भगवान मानना चाहता था। कहता था मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। तो उसने ये ऐसा दिमाग लगा के मान लिया और अपने आप को भगवान मानने लगा और लोगों को यातनाएं देने लगा। उसने उसके घर में प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ, असुर कुल में प्रहलाद पुत्र होना, है ना, प्रहलाद जैसा पुत्र होना बहुत बड़ी बात है, जो भगवान के नाम का जप ही करते रहते थे। क्योंकि इनकी जो माता थी कयाधु, वो नारद ऋषि के आश्रम में रही थी और वहां पर उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को, जब ये गर्भ में थे तभी सुना था, है ना, प्रहलाद महाराज ने। तो वो उनके ऊपर भगवान के नाम का, मतलब एक तरीके से इफेक्ट देख लीजिए, ऐसा पड़ा कि वो भगवान की सेवा में लग गए। जब से वो हुए 5 साल के थे और 5 साल में उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी तपस्या करी बचपन से ही, वैसे ही उन्होंने गुरुकुल में सब लोगों को सिखा भी दिया। तो वो बहुत परेशान हो गया और उसने क्या करा, उनको मारने का हर प्रयास करा, हर प्रयास करा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और अंत आप सब लोगों को पता है, भगवान ने आकर नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मार दिया। अभी अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी भी मनाई थी ना, उसमें हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर रहे थे, भगवान नरसिंह का अवतरण का दिन था वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मतलब उसने भगवान ने, भगवान अपने भक्ति हर स्टेज पे रक्षा करते हैं, लेकिन किसकी रक्षा करते हैं, जो स्थित प्रज्ञा होता है, जिसको ये पता है कि मैं स्थिर रहकर अपने काम में लगा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस से कुछ नहीं करना। यहाँ डिस्टर्बेंस देखिए इस पिक्चर में, देख लीजिए ना कितने हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, मार दो भाई, तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो, बात खत्म। मेरे काम है भगवान की भक्ति करना, तो मैं तो भगवान की भक्ति करता रहूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका, आप एक स्टूडेंट हो, बीइंग स्टूडेंट, आपका आपका टारगेट क्या है, स्टडीज करना, तो आप स्टडीज करिए, फेलियर्स आए चाहे पे चाहे फिर सक्सेस आए, है ना, आपको तो अपने टारगेट को अचीव करना है, उसमें आप लगे रहिए, टेंशन मत लीजिए। और वैसे ही भौतिकता के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे आध्यात्मिकता के लिए जोड़े, तो हमारा उद्देश्य भी भगवान की भक्ति करना है। अभी केवल भौतिकता में सीखने के लिए नहीं है ये, दोनों तरीके से स्पिरिचुअली भी हमें डेवलपमेंट करना है और हमें ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम हैं, तो यहाँ पे भी हमें चीजों को सही तरीके से मैनेज करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी भगवत गीता में केवल भगवान अभी कह रहे हैं कि सबको छोड़ के केवल तुम भौतिकता में लग जाओ, वो भी नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा नाम का भी स्मरण करो, लेकिन मेरे नाम के साथ साथ अगर तुम अपनी लाइफ में जो चीजें चल रही है उसको भी बैलेंस कर सकते हो, तो आप स्थित प्रज्ञा कहलाओगे, ठीक है। और प्रहलाद महाराज ने अग्नि, जब वो जली थी होलिका, तो वो मर गई थी और वो फिर भी बच गए थे, आपको ये भी पता होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि अपना पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तरीके से भगवान की सेवा में बिता दिया। 5 वर्ष के बच्चे से जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकालता है और अपना अंत समय तक, जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे, अपना इस शरीर का त्याग कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी लास्ट में भागवतम का लेक्चर दे रहे थे। कभी आप लोग कोई वीडियो देख पाए वो तो देखिएगा। एक व्यक्ति होता है ना, जब जा रहा होता है, मर रहा होता है, तो वो दुख हो रहा होता है ना कि मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, क्या मतलब व्यक्ति थे प्रभुपाद जी, है ना। वो अपने स्टूडेंट को, गुरु का कार्य क्या है, शिष्य को ज्ञान देना, वो अपने स्टूडेंट्स को कभी भी उस सिचुएशन में भी ज्ञान दे रहे थे। बहुत महान थे हमारे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की है। तो हमें क्या करना है, उनकी शिक्षाओं से सीखना है और अपने जीवन को शुद्ध बनाना है और भगवान की भक्ति सेवा में लगाना है, और ये जो भौतिकता वाले जो हमारे संग चीजें जुड़ी हुई हैं इनको भी बैलेंस करना है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी देखिए आगे क्या है, ये हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं। अभी देखो भगवान ने आपको बताया आत्मा क्या है, भगवान ने आपको बताया कर्म क्या है, अभी भगवान बता रहे डिस्टर्बेंस कैसे आता है आपकी लाइफ में। अब उसे सुनिए, ध्यायतो विंस विषया पुंसा संगस्ते पुष्प जाय संगस्ते उपजायते संगात सजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक
ऐसी आसक्ति काम उत्पन्न करती है और काम से क्रोध प्रकट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना सोचते हैं किस चीज के बारे में सोचते हैं, भोग के बारे में सोचते हैं, है ना, ये खा लू, ये पी लू, या घूम लू, या चले जाऊं, इसका संग कर लू, है ना, हम ये सोचते हैं, है ना, हम उस चीजों में अटैच हो जाते हैं। जब हम हमें वो हमें कुछ पाना होता है ना, हम उसके पीछे भागते हैं। आज पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाना ही है, भागना ही है, मुझे खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्डर मंगाना ही है तो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई व्यक्ति चाहिए तो चाहिए, मुझे उससे बात करनी है तो करनी है, वो मेरा फोन रिसीव करे ना करे, गालियां दे, कुछ भी करे, मुझे उससे बात करनी है, मैं पीछे 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 भागता रहूंगा भागते रहूंगी, ठीक है, वो हमसे हमें इंटरेस्ट ले रहे नहीं ले रहे, और हम उनके चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने आप को उनके संग अटैच कर लेते हैं, और हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भोग के विचार आते हैं, हम क्या करते हैं खुद को उनके संग बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे अंदर क्रोध प्रकट हो जाता है, आपको पिज्जा खाने के लिए नहीं मिला तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मम्मी कहती है खिचड़ी खा, आप कहोगे नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, ये गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्रोध हो जाता है, फिर उससे क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति चली जाती है, स्मृति जब हतप्रद होती है तो बुद्धि खो जाती है, और बुद्धि खो जाती है तो व्यक्ति भौतिक पूल में गिर जाता है। तो पहले क्या हुआ, इंद्रिय विषयों का चिंतन हुआ, हमने भोग के बारे में सोचा, उससे हमें अटैचमेंट हुआ, हमारे अंदर काम आया, है ना, वासनाएं आई, फिर जब वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, क्रोध आ गया, क्रोध से क्या हुआ, भ्रम आया, हम लोग ना हमें मतलब ये कहते हैं कंफ्यूजन आए हमारे अंदर, हमारी बुद्धि का नाश हो गया और हम भौतिक पूल में गिर गए, क्योंकि हम केवल उसी चीज का चिंतन करते रहते हैं और अपने आप को इतना आसक्त बना लेते हैं उन सब चीजों से कि वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, हम तो बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, और हम उन्हीं चीजों में घुसते गिरते 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 चले जाते हैं। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और उनके रिजल्ट क्या होते हैं कि हम भौतिक पूल में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हम उससे खुद को कभी निकाल ही नहीं पाते। तो हमारी इंद्रिय विषय जो है, हमारी इच्छाएं जो है, वो हमारे पतन का कारण होती है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूथ के लिए, हमारी इच्छाएं हमारे पतन का कारण होती हैं। खुद को अगर सही तरीके से आपको डेवलप करना है, सही तरीके से चलाना है, तो अपने आप को, इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। सारी साइकिल है ये पूरी, ऑब्जेक्ट होते हैं, अटैचमेंट होता है, लस्ट होता है, एंगर होता है, डेल्यूजन होता है, देन फिर वो स्मरण शक्ति होती है और बुद्धि का ह्रास होता है, फॉल डाउन हो जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल एक तरीके से चलता है और हम इस साइकिल में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम आसक्ति को, अटैचमेंट को, कोई ऑब्जेक्ट्स तो रहेंगे ना हमारी लाइफ में, ऑप्शंस तो रहेंगे ना, लोग आएंगे ना, चीजें आएंगी ना, दिखेंगी भी ना, अगर हम अपने अटैचमेंट को सही कर दें, हम उसके संग आसक्त ना हो, सही तरीके से, सही जगह, सही चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका अगर हमें आ जाए तो हमारा पतन नहीं होगा, हम इन सब चीजों से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये बहुत सुंदर अध्याय समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको समरी करा है, समराइज करा है, जानते हैं क्या श्रील प्रभुपाद जी के यहाँ पे शब्द हैं, समझते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, ठीक है, मतलब हम भगवान की भक्ति में एक क्षण में आ सकते हैं, और हो सकता है कि हम लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त कर सकें, ठीक है, यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज थे, उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पहले ही भगवान को पूर्ण शरणागत हो गए थे कृष्ण को, और ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त कर ली थी, मतलब भगवान जो खटवांग महाराज थे उनके जीवन के लास्ट मूवमेंट में उन्होंने भोग करा, सब चीजें करी, लेकिन लास्ट मूवमेंट में उनकी शरणागति इतनी प्योर हो गई कि वो भगवान को प्राप्त कर पाए, कि हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा सोचेगा भी मत कि मैं लास्ट मूवमेंट में मुझे भगवान याद आ जाएंगे, धीरे धीरे सब सिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे भगवान याद आते हैं, तो अभी वो वाले पॉइंट पे मत जाइए कि लास्ट मूवमेंट में भगवान याद आ जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो हमें नहीं सोचना ही हमारे लिए है, खटवांग महाराज जी कर सकते थे। इस जीवन में का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना अमृत भावना भवित हो जाए तो तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। अभी हम मरने से पहले अगर भगवान को का नाम कृष्ण भावना भवित मतलब भगवान से अपने आप को जोड़ लें तो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम में भगवत भक्ति भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, मतलब अभी क्या कह रहे हैं, एक तो भगवान को प्राप्त करना और एक भगवान की भक्ति करना, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो आप ये मानिए कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया,
क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम में भगवत धाम को प्राप्त करना। हम भगवान की सेवा में लगे होते हैं तो हमारे लिए यही भगवत धाम हो जाता है। ठीक है, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य होते हैं। मतलब हम जब इस मेटीरियल वर्ल्ड में है तो क्या सोचते हैं, हम अपना भोग करना चाहते हैं। जब हम भगवान की सेवा में होते हैं तो हम सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से ही पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो भगवत धाम कैसा है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बेसिकली है क्या कि जब हम भगवान की सेवा में आते हैं तो भगवान की सेवा में आना इस पृथ्वी पर इस जगत पे इसी शरीर में रहते हुए ऐसा है जैसे भगवान के धाम में रह रहे हैं। भगवत भक्ति की प्रतिपा भगवत भक्ति भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसमें हमने अभी क्या पढ़ा, हमें भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग अभी नहीं इसमें पूर्ति के साथ, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा समराइज कर दिया। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। भगवान ने ज्ञान योग इसमें भगवान ने कर्म योग बताया है, हमने कर्म को समझा था ना कर्म कैसे करना है, भगवान ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, टोटल ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, सारी चीजों का ज्ञान दिया। भगवान ने भक्ति की झांकी दी, जब हमने देखा था ना कि भगवान की सेवा के लिए हम कार्य करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, क्रोध में भी त्रुटि नहीं होती जैसे हनुमान जी ने करा था, तो भगवान ने हमें भक्ति की झांकी भी दे दी। ये बहुत ये जो चैप्टर टू है इसे सारांश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर टू में हमें कर्म योग जानने को भी मिलता है, हमें ज्ञान योग जानने को भी मिलता है और हमें भक्ति योग भी जानने को मिलता है। एक थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, बहुत सुंदर तरीके से है पर थोड़ा थोड़ा सा है, तो इसलिए इसको भगवद गीता का सारांश कहा जाता है ना। तो जब हम भगवद गीता आगे पढ़ेंगे तो ये जितने भी सेक्शन अभी मैंने बताए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी क्या है, भगवान ने चैप्टर टू में अर्जुन को एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस में आप क्या क्या समझ सकते हो, चैप्टर टू में अर्जुन को बता दिया। तो ये टर्निंग पॉइंट था, अर्जुन ने शरणागत ले लिया भगवान का, क्योंकि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, कंफ्यूजन हुआ था, हाथ जोड़कर रथ पर बैठ गया था, अभी चैप्टर जब शुरू हुआ तो भगवान के शरणागत हो गया। और हम सबको भी अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए और हमें भगवान की शरण में जाकर उनसे पूछना चाहिए बजाय हम किसी और से पूछें। तो इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य किया है, बहुत सुंदर शिक्षाएं इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी हैं और अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी उतनी सुंदर तरीके से शायद समझ में आया हो, मैंने प्रयास भी पूरा करा है। तो आप सभी लोगों के लोग भगवद गीता में इसी प्रकार बने रहें और भगवान की इस सुंदर वाणी का आनंद लेते रहें, श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों का, सुंदर जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भगवद गीता यथारूप बनाई है इसको समझने का प्रयास करते रहें। भगवान हम सब पर इसी प्रकार कृपा करते रहें और निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में आगे बढ़ते रहें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी।